यह सरकार सिर्फ साजिश और सियासत की दुकान तलाश करती है, झूठ और बेशर्मी की ताकत तलाश करती है। किसान, जवान, पहलवान और नेशनल बेटियां और ड्राइवर, सब लोग, नेशनल बेटियां यहीं जंतर मंतर पे इज्जत की भीख मांगती रही, लेकिन हमारे साहब दूसरे देशों में इज्जत तलाश करते हैं। उस सेब की ताकत वो कभी नहीं बताएगा। सेब की एड आपने नहीं देखी होगी, गेहूं की एड नहीं देखी होगी। हाँ, अमूल की देख ली होगी, क्योंकि वो भी गुजरात से आता है। पहले जगीरा और गब्बर जंगलों में रहा करते थे, अमीरों को लूटते थे, गरीबों में बांटते थे, लेकिन आज के जगीरा और गब्बर देश के बड़े लोकतंत्र में पहुंच गए हैं, गरीबों को लूटते हैं, अमीरों को और अमीर बना रहे हैं। जो किसान, जिसको ये फटाक उड़ता बताते हैं, उस किसान को तीन काले कानून बड़ी जल्दी पता लग जाते हैं और वो अपने हक के लिए लड़ लेता है। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग, खापो की सरदारी, मेरी मातृशक्ति व सभी युवा साथियों, आप सभी को मेरी राम राम। मेरे से पहले काफ़ी वक्ता पूरे डिटेल से बात रखे हैं, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। उसका जवाब एक ही है, हल क्या है, एक लाइन में है, सत्ता में भागीदारी। हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए। मेरे से पहले प्रोफेसर साहब ने, रतनलाल जी ने बड़ा अच्छा बताया, रवि जी ने बताया, आज भी वही परिस्थिति है। आज भी हमें शिक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है, सूट पहन के, कोट पैंट टाई लगा के, बोले ये तो जेंटलमैन, और जो बेचारा बुजुर्ग सा फटे कुटते हम, बोले ये किसान। आज भी हमारी शिक्षा पे किया जा रहा है टैग, लेकिन बड़ी दिक्कत की बात है, ये जेंटलमैन जैसे अनपढ़ जो संसद में पहुंच गए, इसीलिए ट्रेन एक्सीडेंट हो रही है, इसीलिए भूस्खलन में आज लोग मर रहे हैं। और जो किसान, जिसको ये फटाक उड़ता बताते हैं, उस किसान को तीन काले कानून बड़ी जल्दी पता लग जाते हैं और वो अपने हक के लिए लड़ लेता है। इन्हें पता है, ये जानबूझकर उस शिक्षा पे वार कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा पर शन उठाती है। आज जिस मनु भाकर के मेडल से हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, इसी देश के अंदर सिर्फ 4 साल पहले सब मिलकर उसका लाइसेंस बनवाने गए थे। यह बुद्धिजीवी लाइसेंस नहीं बना रहे थे उसका, आज सब उस पे गौरवान्वित हो रहे हैं। इसी साक्षी मलिक पे गौरवान्वित हो रहे थे, लेकिन जंतर मंतर आप सब ने देखा है। तो हमें पढ़ाया क्या जा रहा है, हमें सिर्फ ये पढ़ाया जा रहा है, भाई कोट पैंट वाला तो जेंटलमैन और फटे कुर्ते वाला फार्मर। क्यों भाई, हमारी बौद्धिक शक्ति नहीं है क्या, हमारी तार्किक शक्ति नहीं है? हमें तुम्हारे कानून पहले पता लग जाते हैं, तुम्हारी मंशाएं क्या है। बार बार तुम गांव को हिट करते हो, बार बार हमारी सोशियो इकोनॉमिक कल्चर को हिट करते हो। हम क्या है, गांव में हमारा सबका एक भाईचारा है, जुड़ाव है। आपने कभी किसी गांव के दंगे सुने हैं क्या? गांव में कोई भूखा नहीं सोता, सबको पता है साहब वो इन सबसे ज्यादा पढ़े। गांव में कोई भूखा नहीं सोता, गांव की बड़ी अच्छी अर्थव्यवस्था थी, गांव से धन आता था गांव के अंदर, गांव से धन बाहर जाता नहीं था। गांव में ही लोग रोटी खाते थे, सब्जी, सब कुछ, दूध गांव में होता था। वहां इकोनॉमी कितनी अच्छी पावर थी इस देश की, कि बाहर से इकोनॉमी अंदर आती थी। आज इन्होंने क्या किया, कॉरपोरेट कल्चर से गांव की इकोनॉमी बाहर जा रही है। हमारे टैक्स का पैसा जो 90% हम कहें बहुसंख्यक, हमें कहां ले जाया जा रहा है, हमारे सोशियो इकोनॉमिक को हिट किया जा रहा है, हमारी सोच को हिट किया जा रहा है, हमारे शिक्षण संस्थाओं को टारगेट किया जा रहा है। कुछ तथाकथित लोगों द्वारा, ताकि गुलामी की मानसिकता में रहे। और इससे निकलने का एक ही उपाय है, सत्ता में भागीदारी। आज क्या बताते हैं हमें, मेरे से पहले मेरे साथी ने बड़ा अच्छा बताया था, 1960 से लेकर 70 तक, आज वो गिरते गिरते जीडीपी में 17% रह गया। ये भी हमें गलत पढ़ाया जा रहा है। आज भी किसान की भागीदारी जीडीपी में 70% से ज्यादा। कपड़ा उद्योग किससे चलता है, वो भी किसान से चलता है।
घर में साबुन नहाते हैं वो ऐड दिखाते हैं आपको, इस साबुन में है एलोवेरा, इसमें है नीम की शक्ति, रसोई में बर्तन धोने के में नींबू की शक्ति। अरे भाई वो क्या है, सिर्फ आपने बता दिया, एक पब्लिसिटी कॉरपोरेट का राज आ गया, तो दूध की शक्ति कुछ पाउडर बढ़ाने लग गए, गेहूं की ऐड नहीं, सेब की ऐड नहीं, दूध की ऐड नहीं, लेकिन कुछ पाउडर मिला दो दूध की शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पाउडर कॉरपोरेट बेचता है। उस सेब की ताकत वो कभी नहीं बताएगा, सेब की ऐड आपने नहीं देखी होगी, गेहूं की ऐड नहीं देखी होगी, हाँ अमूल की देख ली होगी क्योंकि वो भी गुजरात से आता है। आजकल क्या कर रहे हैं हमें, जानबूझकर नहीं ऐड देखी है मैंने, खुले तौर पर इस मीडिया के सामने कह रहा हूं, टीवी में दिखाएंगे खुला दूध, ये तो गलत है, ये पैकिंग वाला मशीनों से पैक हो गया था, मशीनों वाला पैक कहां से होता, निकलता तो वैसे ही होगा। जानबूझकर गन्ने की खेती करने वाले किसान बैठे हैं, लेकिन यहां सबसे ऊपर पूछ रहा हूं कितनी चीनी आपके घर में यूज होती है और कितनी गैस यूज होती है। गैस का एक सिलेंडर एक महीने में चला जाता है 1000 रुपए का, क्या कोई भी इस हॉल में ऐसा बैठा जो 1000 की चीनी खा लेता है? वो चीनी कहाँ जाती है, चॉकलेट इंडस्ट्री में, मिठाइयों की यहाँ दुकान होंगी 1000 रुपए किलो से नीचे मिठाई नहीं मिलेगी, लेकिन वो कहेंगे गरीब के घर में महंगाई बढ़ जाएगी। अरे चीनी गरीब के घर में महंगाई नहीं बढ़ेगी, आपको इन मिठाई इंडस्ट्री को चीनी देनी है, आप उस किसान को गन्ने का भाव नहीं दे रहे हो। आपने गैस का भाव बहुत बढ़ा दिया, मेडिसिन के अंदर मेडिसिन किससे बनती है, मेडिसिन किसान बनाता है, आज किसान की भागीदारी, अरे आपके यहां जो ईंट बन के आती है वो उस किसान के खेत की मिट्टी से बन के आती है साहब, और हमें एमएसपी मांगना पड़ता है, महंगाई बढ़ाने के नाम से हमें डरा रहे हो। हमें इस चीज को सोचना होगा, हम सबको दोबारा जुड़ना होगा, दोबारा बिल्कुल सही कहा, दोबारा चौधरी छोटू राम को, बाबा साहब अंबेडकर को, राम मनोहर लालिया का एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। और यह भी बता दूं पटेल जी, आज मुझे आना नहीं था लेकिन मुझे रोकने के लिए फोन आया, कुछ लोगों ने कहा आपको वहां नहीं जाना, वहां किसानों का क्या काम है, इसलिए मैं रोका तो जबरदस्ती आया। और ये लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे, ये जीतना चाहे जोर लगा ले, हम रुकेंगे नहीं, हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे। आप सब ने बुलाया, जो मान सम्मान दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सम्मानित मंच और मंच संचालन करता भाई अनिल पटेल जी और साहब को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं, और सभी प्रदेश से आए हुए आज किसान ज़्यादा आए हुए हैं। मैं भी अखिल भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, दिल्ली में अपना कार्यालय है, और लगातार ये अपने महापुरुषों का महामिशन जो आधा अधूरा रह गया है, जिसकी लड़ाई हमारे ये महापुरुष लड़ते लड़ते काफ़ी हद तक, जो आज मंच से बोलने का, हर जगह हक अधिकार मांगने का, बाबा साहब के संविधान के द्वारा अब की बार एक अलग तरह की लड़ाई लड़ी गई लोकसभा में, जो पीडीए या डब्ल्यूटी के संगठन के माध्यम से पूरे देश में संगठन के लोग गए और सब जगह अपने विचारों को रखे और एकता के साथ लड़ाई लड़ी गई, और कहीं न कहीं जीत तो पूरी हो जाती लेकिन कहीं न कहीं रुकावट आई, क्योंकि केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है उसकी तानाशाही हर जगह चली, लेकिन अगर लगातार हम लोग ऐसे चलते रहे, आपस में जुड़ते रहे, तो शायद इनको आने वाले समय में तानाशाही नहीं चल पाएगी, क्योंकि आप लोगों की ताकत देखो, इनको बैसाखी में तो ला दिए हो, लेकिन अभी बहुत लड़ाई है, लड़ाई बड़ी है तो हमें तैयारी भी बड़ी रखनी पड़ेगी। यह किसान जवान पहलवान और ड्राइवर, आज युवा हमारे जितने हैं, जो देखिए अभी मैं देख रहा था, लगभग 70 परीक्षाओं को ये लोग लीक कर दिए, नेट परीक्षाओं को, तो युवा
कहीं न कहीं माइंडली डिस्टर्ब चल रहे हैं, लेकिन महापुरुषों के महामिशन पे हम लोगों को लगातार चलना होगा, तभी जा कर के इस लड़ाई को जीता जा सकता है। नहीं तो मेरे भाइयों, लड़ाई अभी लंबी है। इस तरह जो WTP का प्रोग्राम होता रहता है, इस प्रोग्राम के द्वारा ये मैसेज पूरे देश में जाता रहता है। और हम लोग जातीय भेदभाव एकदम खत्म करके, कि जिस दिन हम लोग मान लेंगे जात हमारी आत्मा, प्राण हमारे नाम, अलग हमारी दृष्टि है, गगन हमारे गांव, हम सभी 90% के लोग एकजुट होकर के एक जितने संगठन बने हैं सबको साथ लेकर के चलना होगा, तभी जा कर के लड़ाई जीती जा सकती है। आज एक तरह से देखा जाए, मैं एक बात के माध्यम से रखना चाहता हूं, क्योंकि जगीरा और गब्बर पहले भी थे, आज भी हैं, परिवार भी नहीं है, लूटपाट जारी है, क्रूरता वही है। लेकिन पहले जगीरा और गब्बर जंगलों में रहा करते थे, अमीरों को लूटते थे, गरीबों में बांटते थे, लेकिन आज के जगीरा और गब्बर देश के बड़े लोकतंत्र में पहुंच गए हैं, गरीबों को लूटते हैं, अमीरों को और अमीर बना रहे हैं। राजशाही खत्म हुई थी, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो पूंजीपति शाही हम अपने देश में लागू हो गई है। जिस समय आज हमारे पूरे भारत में युवाओं की संख्या भारतवर्ष में 70% है, जहां युवा पढ़ लिख करके रोजगार की तरफ जाने लगे, तो 2014 में ये सरकार आई, सारे रोजगार, सारे नौकरी, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, एक तरह से खत्म भी कर दिया। और हमें इससे सीख लेना चाहिए किसानों से कि यह सरकार सिर्फ साजिश और सियासत की दुकान तलाश करती है, झूठ और बेशर्मी की ताकत तलाश करती है। किसान, जवान, पहलवान और नेशनल बेटियां और ड्राइवर, सब लोग, नेशनल बेटियां यहीं जंतर मंतर पे इज्जत की भीख मांगती रही, लेकिन हमारे साहब दूसरे देशों में इज्जत तलाश करते हैं। इसलिए सभी को समझना होगा हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, तभी जाके लड़ाई सफल होगी, एकजुट होकर के चलना होगा। ऐसा है, किसान होने के नाते हमें दिक्कत ना भजन से है ना अजान से है। हमें दिक्कत है तो खेतों में खुदकशी करते हुए किसान और बॉर्डर पे शहीद होते हुए जवानों से है। इन लोगों को, ये तानाशाही सरकार, इस बात को जब किसान की नहीं हुई तो यह किसी की नहीं होगी। इसलिए यह लड़ाई लड़ते रहना है, तभी जा कर के सरकार को, जो हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात करना चाहिए, तो सरकार केवल ध्यान भटकाती है, ये सिर्फ भाषण, जुमला, जोश, बेच दो, बदल दो, खत्म कर दो, यानी इसका मिशन ही कहीं भटक गया है। इसलिए जो हमारे पीडीए के द्वारा जो चुन करके देश के बड़े लोकतंत्र में हमारे सांसद गए हैं, उनको भी कहना होगा कि आप लोग भटकाए जाओगे, आप लोग आपस में लड़ाए जाओगे, आप लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, यानी जो हमारी अमूल्य वोटों से चुन करके देश के बड़े लोकतंत्र में गए हैं, शायद दबी कुचली आवाज़ को आवाज़ दे, उनको भी बहकाने का काम करेंगे, लेकिन उनको भटकना नहीं है। ये देखने में भी आ रहा है, इस समय लोकसभा चल रही है, सब लोग अपने अपने मुद्दे पे, पीडीए के द्वारा जितने भी मुद्दे दिए गए हैं, मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए उन सांसदों को भी दिल की गहराई से धन्यवाद है, क्योंकि सरकार बहकाती है लेकिन वो भटक नहीं रहे, अपने मुद्दे पे कायम हैं। और आज हमारे महापुरुषों की विचारधारा की आग पूरे भारत में लग चुकी है, ये सरकार भी घबरा गई है, क्योंकि इस विचारधारा की आग को बुझाने के लिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अब वो सोच रही है कि या तो इनके हक अधिकार, युवाओं को रोजगार और किसानों को MSP और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करना पड़ जाए,
क्योंकि बैसाखी की सरकार है, चारों तरफ से आवाज आती है। पहले तो स्पीकर बोलने नहीं देते थे, लेकिन आज जो चुन करके आए हैं वो बोलते रह जाते हैं, स्पीकर को भी साइलेंट होना पड़ रहा है। इसलिए WTP के माध्यम से जोड़ते रहेंगे, सभी लोगों को जोड़ने में माहिर हो जाएंगे। एक दिन होगी एकता, अपने WTO के माध्यम से सर्व संगठनों की एकता का कारण बन जाना है। इन्हीं बातों के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और किसान मोर्चे के और हमारे अनिल पटेल जी जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं, मिशन को जोड़ते रहते हैं, हर समय सब जगह पूरा टाइम 24 घंटे का टाइम ही लगातार समाज को दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को अगर आज हम लोग कहीं चूक गए, ये जो फल खा रहे हैं इन महापुरुषों के लगाए हुए पेड़ हैं, अगर आज हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां फल कहां से खाएंगी। यह मिशन को कामयाब बनाना सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए सभी लोगों को एकजुट होना होगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय संविधान।